यहाँ पे सब ज़िला त्राल में एक मैरिज हॉल का संग बुनियाद 2020 में डाला गया था, जिसका उसी वक्त जो मखसूस टाइम जो है वो 30 साल का रखा गया था। लेकिन अगर देखेंगे तो उस में जो 2.5 साल जो है वो गुजर चुके हैं, तो अब कुछ महीने इसमें बाकी रह गए। तो इस हवाले से अगर देखेंगे तो यहाँ के लोग जो है इनमें काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है कि इसका काम जो है मैरिज हॉल का काम जो है वो अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया गया। फिलहाल हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जीएम कांटरू बात करने के लिए मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इनकी राय जो है इस मैरिज हॉल पर कैसी रहेगी। जी आपका खैर मकदम है ग्रोइंग कश्मीर में। तो जो संगी बुनियाद जो है मरीज हाल की जो 2020 में डाली गई, तो अभी तक जो है उसका काम जो है पाए तकमील नहीं। शुक्रिया आपका। यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने निशानदेही की थी 2020 में, इधर नई बस्ती के साथ एक ज़मीन प्लाट उन्होंने लिया था, तकरीबन 4 कनाल ज़मीन। तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दावा किया था कि 3 साल के अंदर अंदर वहाँ पे यू मैरिज हॉल बनाया जाएगा, लेकिन अब 2.5 साल से ऊपर गुजर चुके हैं, वहाँ पे काम शुरू नहीं किया गया है। तो यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब त्राल से, डीसी के मिस्टर पुलवामा से, कि क्या वजह है कि इस पे काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ के लोग इसके लिए बहुत खुश हुए थे उस वक्त कि यहाँ पे एक मरीज हॉल बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ घनी बस्तियों में जो कि वहाँ पे शादियों के मौके पर जगह नहीं होती है, तो राहत की सांस ली थी उन्होंने कि चलो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा अगर यहाँ पे एक मैरिज हॉल बनेगा। लेकिन सरकार ने जो ज़मीन वहाँ पे निशानदेही की थी उस पर उन्होंने निशान डाला, और निशान के बाद वहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ। लिहाजा हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, गवर्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि वो वहाँ पे जल्द अज जल्द काम शुरू करें, ताकि यहाँ पे लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके, लोग भी इसका इस्तेमाल करें और उनके लिए भी आसानी हो जाए। तो आपने सुना, तो ये थे सोशल एक्टिविस्ट जीएम कांटरू, जिन्होंने अपने तासुरात इस मरीज हाल पे रखे। तो इनका भी यही कहना है कि सरकार ने जो 2020 में इसकी संग बुनियाद डाली थी, इसी वजूहत पे इन्होंने संग बुनियाद डाली थी कि ताकि यहाँ के आवाम जो है उनकी मुश्किलात काफ़ी होती थी जब उनकी मतलब घर में कोई फंक्शन होती थी या कोई मरीज, अगर सरमनी की बात करेंगे तो उस हवाले से उनका बहुत सारा जो है उस वक्त मुश्किलात उठाना पड़ता था। तो उस हवाले से सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया था उस वक्त, लेकिन अभी तक जो है इसका जो काम जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। तो अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इस हवाले से क्या कुछ करेगी। ग्रोइंग कश्मीर के लिए त्राल से मीर मुजफ्फर। रूदम यह है कि यह डेवलपमेंट लिहाज जहाँ रूद ब्रो अगर वनों ये त्राल गतम शक्ल जन हेड कहानी जन लोकल ये एडमिनिस्ट्रेशन से बोन बिलखसूस जन ए डी सी त्राल जन तूत ज्यादा ध्यान इन दिन डेवलपमेंट काम पे कह तुम आन पे आई कम मगर ग्राउंड पे तूत ज्यादा तो पत बसान कम गुम कहीं अगर मैरिज हाल कहो ये वनकस कहान अत वुहस मन संग बुनियाद त्रम 2020 जो पगह मे बस ये मकलो 2002 मकलो पगह 2003 वन तम कम गुम कहें इवन 0% तम कम्प्लीट वो कि अंडर प्रोसेस पोर चीज बनो मन पशु योग कर बदल कह ना सह जीरो तथा कहें इस तमें संग बुनियाद तथे संग बुनियाद वनकस तथे मे बस ये हिसाब ये प्रोसेस मे पकान अत मे लगन बी 5-6 वरी काम करना ये जन के डेड लाइन 2003 मे समझ यू बहुत ए डी साहब रिक्वेस्ट कर पत् कर गए इन कचन रेत जोर हिरी तुम तुम कर करू पी कम लोकल पॉपुलेशन एस्पेशली त्राल टाउनस मे ये जो लुख आ खास कर गरीब आम हेकन अतन खानदर वानदर कर असल पे हेकन बाकी चीज अतन अतो जमीन तो कफी अतन
اصل پہ ہکان غریب خاندر کرت باقی چیز کرت فیسلٹی دیانک ساری مگر یہ خواب یوت ہوک بچار یہ تھوک سرسی خواب یوت ترالس مزہ ہوں چیزن لیا دوران ہوں یہ خواب یوت یہ کرو ہو یہ کرو یہ کرو یہ خاص کر میرج حال یہ گھس آن یہ لگہ ضرورت امیرس تہ لگہ ضرورت غریبس تہ لگہ ضرورت مگر کہین چھ ترالس مز آن گراؤنڈ چھ کہین کر سر تو حساب سے یہ ریکویسٹ کر جناب یت کرو کی اگر پریارٹی یہ کرو ون تہ گو نیر کی اگر ون تہ ات پہ قدم تلو اگر ون تہ لگہ وری لگہ ڈوڑ وری لگہ یہ گیا اگر نہ تروہس مزہ گیا تیار ژوہس مزہ گیا تیار ایٹ لیسٹ وچھان ترالو کہ میرج حال گو کیا کیا سٹین مزہ وچھان میرج حال یہ مطلب ڈسٹرکن باقی ڈسٹرکن مجھے میرج حال وچھان تک فنکشن تک گھن اسٹھا ترالس مجھے یہ میرج حال آسان دن بھر کے تمام تر اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہماری سبھی آفیشیل چینلز کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے।